चांदपुर जोन भानु भास्कर अपर पुलिस महानिदेशक के द्वारा कानून व शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए थाना बिल्हौर जनपद कानपुर आउटर कस्बा क्षेत्र अंतर्गत पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास कराया गया। इसके साथ ही साथ उन्होंने जनता के बीच जाकर संवाद स्थापित करते हुए कहा कि आगामी त्योहारों पर शांति बनाए रखें, हमें अपनी गंगा जमुनी तहजीब को सुरक्षित ही नहीं रखना है बल्कि उसे समाज में उतार कर उसका अंकुरण भी करना है। उन्होंने बिल्हौर थाना क्षेत्र में हुई आपराधिक घटनाओं के विषय में पत्रकारों को भी अवगत कराया और कार्यवाही का भरोसा दिया। विराट 24 के लिए कानपुर से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। अभियुक्त गिरफ्तार हुए और आगे क्या पूरी रणनीति है कि किस तरीके से उन लोगों को जो पीड़ित है पीड़ित पक्ष को न्याय मिलेगा? जी, ये दिनांक 15/7/2022 को समय करीब 20-30 बजे 8:30 बजे शाम कस्बा बिल्हौर कानपुर आउटर में स्कूली लड़कों के बीच में फिंगर चिप्स खाते समय विवाद, उसी में बीच में मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान राहुल पुत्र मोहर सिंह और संदीप पुत्र राम सिंह निवासी कस्बा बिल्हौर कानपुर आउटर घायल हुए, जिन्हें तत्काल सीएचसी बिल्हौर में प्राथमिक उपचार हेतु भेजा गया। तत्पश्चात सीएचसी द्वारा बाद इलाज घायल प्रथम एवं संदीप को प्राथमिक उपचार कर घर रवाना कर दिया गया तथा राहुल को गंभीर चोट होने के कारण से कानपुर हेलेट हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां वो अभी भी चिकित्सारत है और उनकी हालत सामान्य है। स्कूली बच्चों के झगड़े के बीच कोई सांप्रदायिक जैसी समस्या नहीं थी, ये मात्र छात्रों की आपसी लड़ाई है। अब तक कुल हम लोग इस केस में 19 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए। संवेदनशीलता के तौर पर हम लोगों ने कई जगह पिकेट्स और उसके साथ साथ गार्ड लगाई है। पीएससी को भी डिप्लॉय कराया गया है और पीएससी अन्य जगह पर लगी हुई है। इसके साथ साथ जितने यहां पे मुलविस लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, सबके पीछे मीटिंग कराई जा रही है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।